नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स और मनपा के संयुक्त तत्वावधान में एलबीटी शिविर का एक सप्ताह का आयोजन एनवीसीसी परिसर में किया गया है। लोकल बॉडी टैक्स के बारे में संजय अग्रवाल ने प्रकाश डाला, आइए डालते हैं एक नजर। लोकल बॉडी टैक्स यानी एलबीटी, ये वो शब्द है जिसके लिए शहर के व्यापारियों ने कई बार आंदोलन किए थे। एक समय ऐसा भी था कि व्यापारियों ने शहर का व्यापार एलबीटी को लेकर 45 दिन तक बंद रखा था। एलबीटी मामले को लेकर व्यापारी और प्रशासन में कई बार तू-तू मैं-मैं भी हुई थी। आखिरकार व्यापारी और एलबीटी के अधिकारी आपस में बैठकर व्यापारियों की दिक्कतों को जानना चाहती है। नाग विदर्भ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स की ओर से प्रशासन आपके द्वार के तहत एक सप्ताह के लिए व्यापारी और एलबीटी अधिकारी एलबीटी शिविर में हिस्सा ले रहे हैं। इस पहल का एनवीसीसी के उपाध्यक्ष संजय अग्रवाल और एनवीसीसी के सचिव रामावतार तोतला, इन्होंने जानकारी दी है। नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स और नागपुर महानगर पालिका इनके संयुक्त तत्वावधान में एक सप्ताह के लिए नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभागृह में एलबीटी इस विषय को लेकर अधिकारी और व्यापारी इनके बीच में एक सही तालमेल बिठाने का एक कामकाज शुरू है। आइए जानना चाहेंगे, इस समय में हमारे साथ में संजय अग्रवाल जो कि वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे मौजूद है, उनसे संजय जी ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि जिसके चलते एलबीटी शिविर को आपको लेना पड़ा अधिकारियों के साथ? ऐसा कोई विशेष नहीं है, यानी अचंभे की बात नहीं है। इसके पहले भी दो साल पहले चेंबर ने नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर एलबीटी शिविर का ये काम लिया था, जिसमें कई व्यापारियों ने उसका लाभ लेते हुए अपने एलबीटी के केसेस का निपटारा कराया था। उसी प्रकार अभी हाल फिलहाल में देखने में आया था, समाचार पत्रों से पता चला था कि लगभग 836 असेसिस के बैंक खाते सीज हुए थे। उस समय चेंबर ने अपनी नैतिक जवाबदारी लेते हुए चेंबर कॉरपोरेशन के साथ में मुलाकात करी थी और उनसे रिक्वेस्ट करा था कि भाई ये एलबीटी 2016 में समाप्त हो गया था और उसके अब जो पेंडिंग असेसमेंट के केसेस है वो एक क्या बोलेंगे अपन अच्छे वातावरण के अंदर में उनका निपटारा होना चाहिए। तो उसके लिए नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी यानी आपका प्रशासन एवं राजनीतिक दल जो है सब ने मिल के ये तय करा है कि एक न्यूट्रल जगह नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रांगण में आएंगे, जो एक व्यापारियों की चिरपरिचित संस्था है, जो जगह पे उनको एक कंफर्ट मिलता है उस जगह पे बैठ के और डिपार्टमेंट और व्यापारी मिल के जो है ये एलबीटी के सारे पेंडिंग प्रकरण यहाँ पे सलटाने की कोशिश करेंगे, जिससे नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भी ये समझ यानी ये ज्ञात हो जाएगा कि भी उनके जो बेस्ट जजमेंट हुए उसमें एक्चुअल लाइबिलिटी कितनी है और व्यापारी वो अपनी लाइबिलिटी चुका के वो भी अपने पीस ऑफ माइंड परचेस कर पाएंगे। तो साहब आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, हमारे चैम्बर का मुख्य उद्देश्य है व्यापारी और सरकार के बीच में समन्वय बना के व्यापारियों को राहत दिलाना। इसी उद्देश्य से हमने सभी प्रशासनिक अधिकारी एवं सत्ताधारी दल के नेताओं से मिलकर ये एलबीटी शिविर का आयोजन किया। इसमें से क्या निकलेगा आउटपुट? इससे आउटपुट यही निकलेगा कि जो महानगर पालिका सोचती है कि करोड़ों रुपए की जो हमें मतलब देनदारी व्यापारियों से आ रही है वो मिलेगी, उसमें जो निपटारा जैसा कि आज हमने 25 लाख का जो एक बेजजमेंट हुआ था उसने पेपर नहीं जमा किए थे, उसके कारण आज व्यापारी ने सभी पेपर जमा करके उसमें 1785 रुपये जमा करके अपनी राहत प्रदान की, वही सबसे शिविर की लाभान्वित मिल रही है और ऐसा आशा है कि नागपुर के सभी व्यापारी इसका आनंद लेंगे। बिल्कुल, नागपुर के सभी व्यापारी आनंद लेंगे और लेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि एलबीटी यह एक ऐसा विषय है कि जो आए दिन नागपुर महानगर पालिका के अधिकारियों या व्यापारियों इनमें सही तालमेल नहीं बिठाया जा रहा था। ऐसे में कुछ व्यापारी और मनपा प्रशासन के अधिकारी अब साथ में आके एलबीटी ये जो विषय है और इसमें जो कठिनाई है, जो समस्या है या जो कुछ और जो ऑब्स्टेकल्स दिखाई देते हैं उसको कैसे किस तरह से दूर किया जाए, इसके लिए इनकी एक कोऑर्डिनेशन एक अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है और एक सप्ताह तक चलने वाले में और भी कोई शहर के व्यापारी जुड़ जाएंगे और अधिकारी है वो भी बड़ी संख्या में आने वाले हैं, जिसके चलते एलबीटी का ये जो मुद्दा है या एलबीटी की ये जो टांगती जो तलवार है वो कहीं ना कहीं अलग थलग होके व्यापारी और अधिकारियों में एक आनंद की लहर हो सकती है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मेरे, इनबीसी न्यूज नागपुर।